रात में आपके घर एक बहुत अजीब किस्म की घटना हो गई है, जैसे कि किसी ने घर के बाहर आपके रॉकेट डाला या फिर कुछ और डाल करके और वो आग लगा करके चला गया। वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है। इसकी वजह क्या है और मतलब ये अपने आप में एक पहली घटना है, ऐसा कोई घटना हमें भी सुनने को नहीं आया है और हम लोग भी इस चीज को लेकर के फिक्रमंद है कि अगर घर पे आकर के इस तरह से अटैक होना, और जैसा मुझे पता है कि आप घर पे भी नहीं थे, आपकी बच्चियां थी घर पे, तो उस वक्त जो है किस तरह से ये हुआ और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये पूरा मामला एक्चुअल में क्या हो सकता है? कल रात को 3:20 पर 20 से 25 साल का लड़का मेरे घर के बाहर, जो घर मेरा रात है, लाइट सी बात है, आदमी सोते हैं, जिस घर में से मेरी दो बेटियां थी बाहर से लॉक करके, कनेक्ट लॉक से ज़्यादा करूँगा, कड़ी लगा कर पेट्रोल, एक बोतल में पेट्रोल था, उसको पूरे दरवाजे पे छिड़क कर उस पर उसने आग लगाई। मेरे हम लोग यहाँ पर नहीं थे, मैं और मेरी बीवी, हम हमारे रिलेटिव जो हैं, हमारे कोई उनका निधन हो गया था और हम अपने गाँव गए और शहर में हम नहीं थे। हमारे दो बेटियाँ दो शाम में अपने काम पर, ये कल रात को घटा। दो रोज़ पहले हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी एक जगह पर, एंटी ड्रग कैंपेन चला रहे हैं, अवेयरनेस के खिलाफ आप लोग बहुत मतलब स्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, हम लगातार इस बारे में काम पूरे शहर में कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में ये ड्रग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उसमें मदद कर रही है। पुलिस अपना वक्त निकाल के हमारे साथ आती है, उस मीटिंग में बैठती है, 25-50, 100-200 लोगों को हम जमा कर पाते हैं, उनको जमा करते हैं और ड्रग्स के, ये ड्रग एडिक्स के अगेंस्ट किस तरह से हमें काम करना चाहिए या उनको रिहेबिलिट कैसा करना चाहिए, उनको उनकी अगर ये परे तकलीफ हो तो उनको कैसे छुटकारा दिलाना चाहिए, इस पर हमने एक मुहिम चलाई। ड्रग्स को लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स हम तक आती हैं कि ड्रग एडिक्स बहुत परेशान करते हैं, आते जाते औरतों को छेड़ते हैं, चोरी करते हैं, न्यूसेंस बना के रखा है सोसाइटी को। हमने चाहा कि भाई इस चीज़ को इस माध्यम से जो है उनके पालक को हम उसको जो है अवेयरनेस क्रिएट करें और इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखें। हमने मुहिम छेड़ी थी पूरे शहर में, पुलिस ने इस मुहिम के चलते बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया और टूट पड़ी पूरे ड्रग एडिक्स पर। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा कि कहीं ये ड्रग्स के खिलाफ जो आप लोगों की इस तरह से जो मुहिम चल रही है और बहुत जबरदस्त मुहिम चल रही है, आपके घर पे कल का हादसा होना कहीं इससे जोड़ के तो नहीं देखा जा सकता? बिल्कुल, मुझे तो 100% इस चीज़ का यकीन है क्योंकि जो हालात में ये हुआ है ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि उन्होंने रिटेलिएट किया है कि आप अगर हमको इस तरह से, अगर आपने आप हमारे अगेंस्ट जाएंगे तो हम आपके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं, मेरा परिवार इस चीज़ को लेकर कभी नहीं डरेगा। मेरी ना बेटियां डरी है, ना मेरी पत्नी डरी है, ना मैं डरा हूँ। ये ड्रग एडिक्स को मैं चेतावनी देता हूँ कि हम फिर पूरी ताकत से इसी तरह से आपके विरोध में लड़ाई चाहेंगे। देखिए, लड़ाई लड़ना तो एक ठीक है, अगर किसी को कुछ लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो तो वो उनकी लड़ाई आपसे हो सकती है, लेकिन घर के पास आकर के, घर में आकर के, मतलब ये बहुत सारे क्रिमिनल्स का भी उसूल नहीं होता है कि वो किसी के घर पे जाके उनके माँ बहनों बेटियों के ऊपर जाकर के इस तरह का हमला, ये एक हमला तो वही हमला मुझे दिख रहा है कि मतलब आपकी लड़ाई हो सकती है, आपसे वो लड़ सकते हैं, आप उनके अगेंस्ट काम कर रहे हो ड्रग के, लेकिन आपके बच्चे, आपकी बच्चियाँ घर में सुरक्षित, घर में अगर सुरक्षित नहीं है तो ये एक बड़ा सवाल है। इस पे आप क्या, क्रिमिनल्स का एक उसूल होता है, ये नपुंसक लोग हैं, ये नपुंसक लोग हैं, ये औरत बच्चों पर हाथ डालते हैं, इनमें अगर वाकई में कोई कहीं पर मर्दानगी छुपी होती तो मुझसे आकर बात। यस, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घर पे आके, मतलब घर को छोड़ के तो सबको, मतलब बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी आप देखोगे तो वो फैमिलीज के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, वो रिकॉर्ड रहा है, तो ये तो बहुत घटिया हरकत है। और अपने आप में, जहाँ तक मैं इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, वो ये अपने आप में एक पहली घटना है और आपको मैं फिर भी बहुत बहुत इस बात के लिए ये दूंगा कि आप हिम्मत से खड़े हैं और नया नगर मीरा रोड में ड्रग्स अवेयरनेस के खिलाफ, ड्रग्स के जो जिस तरह से कारोबार चल रहे हैं उसके खिलाफ आप लोग खड़े हैं। मैं तो ये कहूँगा कि और आप जबरदस्त तरीके से इस पे आओ ताकि बिल्कुल इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। नो डाउट शहर के SP भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, मैंने उनके कई प्रोग्राम को देखा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ
और जुबेर इनामदार इस लड़ाई में अकेले नहीं है, हम सब इनके साथ हैं। इनको अगर खरोज भी आया, तो हम सारी हमारी जान लगा देंगे इनके पीछे। ये अकेले नहीं है और जिस तरीके से इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया है, अब इससे बहुत ज्यादा तादाद की बहुत ज्यादा ताकत से हम इसकी इनके इस ड्रग एंटी ड्रग्स मुहिम के लिए हम अपनी मुहिम चलाएंगे। दो लफ्जों में आप इस तरह की घटना को किस तरह से बयान करोगे कि किस तरह का मतलब ये है? नपुंसकता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, कायरता भी नहीं कहूंगा मैं, ये तो नपुंसकता है कि घर पे आकर के घर पर इस किस्म की तो है ना, कोई क्रिमिनल नहीं करता इसके सब की हरकतें। ये हरकतें जो उन्होंने की है नपुंसकता ही कह सकते हैं, इसको और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।